नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हम आपको हमेशा मैकेनिकल संबंधी नॉलेज देते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला इन्वर्टर है लिफ्टगार्ड, क्योंकि इससे पहले माइक्रोटेक ने अच्छी खासी सेल की थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये देखिए, ये एक तरह से समझिए कि अनबॉक्सिंग ही है। यहाँ पर हमने एक सोलर इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग लगभग किया है। इसे कम्प्लीटली हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। बैटरी सेम टू सेम है, जैसे सभी बैटरी होती है वैसे ही बैटरी है। लेकिन इसमें दोस्तों, इस इन्वर्टर में कुछ फंक्शन ज़्यादा है, जैसे इसमें मोड की बटन है, पावर ऑन ऑफ की बटन है, और भी बहुत सारे इसमें फंक्शन हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है मेंस में मेंस की इंडिकेट करती है और मेंस चली जाती है, यानी कि तो इन्वर्टर की इंडिकेशन करेगी। स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ की इंडिकेशन करेगी। अगर चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग की एम्पियर आपको दिखाएगी। साथ में अगर आपको ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मोड इत्यादि की बटन है, और वहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि ऑन ऑफ की, सिर्फ मोड की भी इसमें बटन दी गई है, और ये सिर्फ मोड की है जबकि ये पावर ऑन ऑफ की है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें आपकी बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है, यानी कितनी परसेंट आपकी, तो हर इन्वर्टर में बताती है, लेकिन इसमें ये बताती है कि आपकी बैटरी कितने समय तक चलेगी, यानी कितने परसेंटेज है तो कितने समय तक चलेगी, ये भी इसमें दिया गया है। और साथ में इसमें सोलर पर कितनी एम्पीयर से चार्ज हो रही है वो अलग दिखाएगा, और मेंस में यानी कि एसी में कितनी एम्पीयर से चार्ज कर रही है वो भी इसमें दिखा रहा है। साथ में इसमें आप प्रोटेक्शन की भी अच्छी खासी इसमें सुविधा दी गई है, जैसे कि अगर आपके सोलर से ओवर चार्ज हो तो बंद हो जाए, और मेंस से भी अगर आपकी चार्जिंग हो तो आपकी पावर चार्जिंग कट हो जाती है, और जिससे आपकी पावर की बचत होती है। साथ में आप देख सकते हैं कि इसकी लुक लाइट थोड़ी सी अलग है, और ये कुछ डिफरेंस इसने बनाया है, और इसकी लुक लाइट भी काफ़ी अच्छी है। और फंक्शन दोस्तों ये है, लेकिन अच्छी खासी होने के साथ में ये साइन वेव है, और ये भी SMD कार्ड पे बने हुए हैं, यानी कि ये भी अगर भविष्य में ख़राब हो तो इसे आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे सारी कंपनियों ने बस एक ही काम किया है कि अगर आपकी इन्वर्टर ख़राब हो तो कार्ड उनसे ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर कंपनी अलग अलग डिजाइनिंग की अपनी इन्वर्टर बना रही है और अलग अलग कार्ड डिजाइनिंग कर रही है। साथ में उसी कार्ड के तर्ज पर आपको ट्रांसफॉर्मर के रिवाइंड करती है, ताकि आप उसे अच्छी तरह से रिपेयर न कर पाए, लास्ट में आपको कंपनी से ही आपकी इन्वर्टर की बोर्ड एक्सचेंज करनी पड़े। तो दोस्तों, ये सारी कंपनियों का मोनोपोली ये हो गया है। हाँ, लेते समय अभी मार्केट में प्रचार प्रसार भी चलती है, काफ़ी अच्छी सेल हो रही है और लोग डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार बहुत सारे लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर एक बार ख़राब होने के बाद जब 1800 से 2000 रुपये जब लिए जाते हैं कस्टमर से, तो उनको फिर लगता है कि हमने ये लेकर गलती की है, और वो क्या करते हैं कि फिर वो अब नई और लोकल इन्वर्टर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बहुत सारे लोगों को अपनी असेंबल इन्वर्टर दी है, क्योंकि इसमें वही बात है कि आप इसे आराम से रिपेयर नहीं कर पाएंगे, जबकि लोकल आराम से रिपेयर होगा। तो दोस्तों, यही इसकी फंक्शन है। तो चलिए, अब हम इसको यहीं पर आपको समाप्त करते हैं।